ब्रिक ट्रैक्टर पेट्रोल पंप। भीमला ठंडा में रहने वाला बजरंगी नाम का आदमी बहुत गरीब था। वो मेहनत करके जीना चाहता था। वो सीधा उस गांव के शेख मनोरंजन दास के पास गया। शेख जी, आपके पास बहुत सारे ट्रैक्टर्स हैं ना, एक ट्रैक्टर मुझे किराए पर दे दीजिए। मैं उसे ले जाकर खेत जोतूंगा और जो पैसे मिलेंगे उसमें शाम को आपको मैं किराया दे दूंगा। ठीक है बजरंग, तुम ट्रैक्टर ले जाओ। तुम जानते हो ना, ट्रैक्टर का एक दिन का किराया 2000 रुपए है। शाम तक तुम्हें किराया देना होगा। इतना ही नहीं, ट्रैक्टर में फुल टैंक डीजल है। तुम चाहे जितना मर्जी इस्तेमाल कर लो, शाम को जब मेरे ट्रैक्टर लौटाओगे उसमें फुल टैंक डीजल होना चाहिए, समझे? ठीक है सेठ जी, जैसे आप कहें। कहकर वो ट्रैक्टर लेकर अपने घर गया। उसे देखकर उसके बच्चे, अरे ट्रैक्टर बहुत बढ़िया है बापू। अरे बापू ने नया ट्रैक्टर खरीदा है, बापू ने नया ट्रैक्टर खरीदा है, कहकर बच्चे उछलने लगे। बेटे, ये अपना ट्रैक्टर नहीं है, इसे मैं सेठ जी से किराए पर लाया हूँ। मैं इसे दिन भर खेत जोतूंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे ऐसा ही एक नया ट्रैक्टर हम भी खरीदेंगे। बापू बापू, हमारे लिए भी छोटा सा ट्रैक्टर खरीदो ना, प्लीज बापू, प्लीज बापू, कहकर जिद करने लगे। ठीक है आ जाओ, कहके उन्हें ट्रैक्टर में बिठाकर ईंटों के खिलौने बनाने वाले मिथुन के पास उन्हें ले गया। मिथुन भैया, बच्चों के लिए ईंटों का बना हुआ एक मिनी ट्रैक्टर खिलौना बनाकर दीजिए ना। मैं तुम्हें उसके पैसे बाद में दे दूंगा। अरे बजरंगी भाई, पैसों का क्या है, बच्चे ट्रैक्टर चाहते हैं ना, मैं उन्हें बनाकर दे देता हूँ। जब तुम्हारे पास पैसे हो तब दे देना। कहकर एक ट्रैक्टर का खिलौना जो उसके पास तैयार था वो उसने बच्चों को दिया। बच्चे उसे देखकर, वाव बाप रे, ये ब्रिक ट्रैक्टर बहुत अच्छा है, मिथुन चाचा जबरदस्त है एकदम, कहकर उसमें बैठकर खेलने लगे। तो बच्चों ध्यान से, मैं खेत में जा रहा हूँ काम करने, तुम लोग घर चले जाना, कहकर चला गया। दोपहर तक खेत जोतते जोतते थक हार कर, यूं कहकर मिथुन के पास जो बच्चों के लिए मिनी ट्रैक्टर का खिलौना बना था ईंटों का, खड़ा किया उसे ले जाने के लिए कहा, वो सो गया। उसने जब आंख खोलकर देखा तो वहाँ पर ट्रैक्टर नहीं था। बजरंग परेशान होकर, अरे ट्रैक्टर कहाँ चला गया, इसे कौन ले गया होगा, कहकर आसपास ढूंढने लगा, पर उसे ट्रैक्टर कहीं नजर नहीं आया। तब सेठ जी के पास लौटकर, सेठ जी किसी ने ट्रैक्टर चुरा लिया है, ट्रैक्टर गायब हो गया। क्यों भाई बजरंग, ये सोचकर कि तुम भले मानुस हो, मैंने बिना कोई गिरवी रखे तुम्हें ट्रैक्टर दिया और अब तुम कहते हो कि ट्रैक्टर गायब हो गया। चुपचाप कल सवेरे तक मेरा ट्रैक्टर और मेरा किराया मिल जाना चाहिए मुझे, नहीं तो तुम्हें जेल भेजना पड़ेगा। ये सुनकर बजरंगी लाचार होकर घर लौटा। उसने घर के पास बच्चों को मिनी ट्रैक्टर खिलौने के साथ खेलते हुए देखा। अपने पिताजी को देखकर बच्चे दौड़े दौड़े गए। पिताजी पिताजी, ये ट्रैक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन वो अमीर आदमी का बेटा रंजीत है ना, वो हमें बहुत सता रहा है। वो कहता है कि हमारा बेकार ब्रिक ट्रैक्टर है और उसका असली सोने का ट्रैक्टर है, कहता है, लेकिन हमारा ब्रिक ट्रैक्टर उसके गोल्डन ट्रैक्टर को हरा कर तेजी से आगे गई पिताजी। पर पिताजी को उदास देखकर बड़ा बेटा, ए बापू बहुत उदास है, उन्हें तंग नहीं करना चाहिए, रुको पता लगाते हैं कि उदास क्यों है, क्या हुआ बापू क्या हुआ? बेटे, जो ट्रैक्टर मैंने सवेरे किराए पर लिया था उसकी चोरी हो गई और सेठ जी कहते हैं कि अगर वो ट्रैक्टर मैंने नहीं लौटाया तो मुझे जेल भेज देंगे। ये सुनते ही वो दोनों बच्चे अपने मिनी ट्रैक्टर में बैठकर उस ट्रैक्टर को ढूंढने चले गए। यूं ढूंढते ढूंढते गए तो उन्हें जंगल के एक झील में पड़ा ट्रैक्टर नजर आया। भैया वो देखो, ये वही ट्रैक्टर है जो सवेरे पिताजी लाए थे, उसे किसी ने झील में फेंक दिया भैया, अब इसे बाहर कैसे निकालेंगे? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे ब्रिक ट्रैक्टर को उससे बांधकर बाहर खींचते हैं, कहकर क्ले ट्रैक्टर के साथ उसे बांधा और उसे झील से बाहर निकाला। फिर देखा तो वो बड़ा ट्रैक्टर हिल नहीं रहा था। ये देखकर छोटू, भैया ये ट्रैक्टर हिल क्यों नहीं रही है, अब इसे चलाना हो तो हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं यार, इसका डीजल खत्म हो गया होगा, चलो हम पेट्रोल पंप चलते हैं और इसमें डीजल भरकर इसे स्टार्ट करते हैं।
यूं कहकर मिनी ट्रैक्टर में बैठकर पेट्रोल पंप पहुंचे। बच्चों के ब्रिक वाले मिनी ट्रैक्टर को देखकर अरे ये कैसा ट्रैक्टर है, अरे इसे तो डीजल की जरूरत नहीं है भैया। बच्चों ये गरीबों का ट्रैक्टर है, ये डीजल से नहीं चलता। चाचा वो बात हमें भी पता है, ये एक ब्रिक ट्रैक्टर है और इसे डीजल की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक बड़ा ट्रैक्टर है, उसके लिए डीजल की जरूरत है। एक बड़े कैन में डीजल भर के दीजिए। कहकर एक बड़े कैन में डीजल भरवा कर जंगल में खड़े उस ट्रैक्टर में भरा। तब वो ट्रैक्टर रैं रैं करके स्टार्ट हुआ और उसे चलाते हुए घर तक ले आए। छोटू को मिनी ब्रिक ट्रैक्टर में आगे आगे आते हुए और बड़े बेटे को पीछे बड़े ट्रैक्टर में आते हुए देखकर बजरंगी बहुत खुश हुआ। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, तुम्हें ये ट्रैक्टर मिला कहाँ? बापू हम इसे ढूंढते ढूंढते जा रहे थे तो हमें ये जंगल में मिला, किसी ने इसे झील में ढकेल दिया था। तब हम उसे अपने ब्रिक ट्रैक्टर से बांधकर बाहर खींचे और लेकर यहाँ आ गए। अब चिंता ना करो बापू, चलो इसे ले जाकर सेठ जी को लौटा देते हैं। तब बजरंगी उस ट्रैक्टर को ले गया। और सेठ जी को सौंप दिया। सेठ जी ने देखा कि ट्रैक्टर में फुल टैंक डीजल है या नहीं। बजरंग मेरे ट्रैक्टर का किराया कब दोगे? सेठ जी हम ये गरीब ब्रिक ट्रैक्टर के साथ काम करके कल तक आपको आपका किराया दे देंगे। ये गरीब ब्रिक ट्रैक्टर में काम करकर तुम पैसे कमाओगे? यूं बच्चों ने उस मिनी ट्रैक्टर में काम करके पैसे कमाया और सेठ जी के पैसे लौटा दिए। उस दिन से बजरंग उस मिनी ब्रिक ट्रैक्टर में काम करते हुए खुशी खुशी रहने लगा।